अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो वर्किंग मॉडल ऑफ नर्वस सिस्टम है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो वर्क करती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेट करता है ऑल बॉडी फंक्शन को, और किसी भी किस्म का एनवायरमेंटल चेंज जो होगा, चाहे वो फिज़िकल हो या केमिकल हो, उसको ये नर्वस सिस्टम जो है वो ईज़िली डिटेक्ट करता है। अब हम देखेंगे इसमें कि कैसे ये जो कोऑर्डिनेशन है नर्वस सिस्टम की, वो कैसे होती है। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी अगर एनवायरमेंटल चेंज होता है तो उसको सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन जो होंगी वो सेंस करेंगी, और कोई भी चेंज जो होगा वो किसी भी किस्म का हो सकता है। तो जो चीज़ इस चेंज को कॉज कर रही है उसको हम स्टिमुलस बोलेंगे, और अगर ज़्यादा किस्म के स्टिमुलस होंगे तो हम उसको स्टिमुलाई बोलेंगे। और स्टिमुलस कई किस्म के हो सकते हैं, लाइक हीट, कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स। इसी तरह स्पेशल ऑर्गन्स होंगे या टिश्यूज और सेल्स होंगे जो क्या करेंगे, इन जो है वो चेंज को, स्टिमुलाई को जो है वो सेंस करेंगे या डिटेक्ट करेंगे, उनको हम कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आपके जो होंगे वो स्किन के अंदर होते हैं। मेन आपका जो रिसेप्टर है वो आपका स्किन है जो इनको जो है वो रिसीव करेगा। अगर टच होगा तो वो स्किन जो है उसको डिटेक्ट करेगी। इसी तरह जो आवाज़ होगी वो उसको कान आपका जो है वो सुनेगा। उसी तरह स्मेल जो होगी बाय नोज़ होगी, इसी तरह टंग जो होगी बाय टेस्ट होगी। तो इसी तरह जो है वो सेंसेशन जो होगी वो आपकी इन ऑर्गन या टिश्यूज की मदद से होंगी। इसी तरह सेंसरी न्यूरॉन जो होंगी जो वो मैसेजेस जो है वो कैरी करेंगी नर्व इम्पल्स की फॉर्म में फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनका काम है कि ये रिसेप्टर्स जितने भी हैं स्किन के ऊपर या बॉडी के ऊपर, वहाँ से मैसेज को रिसीव करेंगी द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स, और कैरी करते हुए उसको प्रोसेसिंग यूनिट जो होगा जिसको हम कोऑर्डिनेटर्स यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जहाँ पर फर्दर उस मैसेज की प्रोसेसिंग होगी वहाँ तक इसको लेके जाएंगे। इसी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा उस मैसेज को क्या करेगा, रीड करेगा और उसको फिर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करेगा। और उसके बाद आपका आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स आ जाती हैं, ये क्या करेंगी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेंगे, उस जो स्टिमुलस है जो नर्व इम्पल्स आई हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है या मैसेज जो है वो क्रिएट करेंगे, और उसको मोटर न्यूरॉन को जो है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन इफेक्टर्स तक लेके जाएंगे। इफेक्टर्स आपके रिसेप्टर पार्ट में ही होंगे, वो ऑर्गन जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू उनको मैसेज दिया जाएगा और वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं, और इफेक्टर्स आपके मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। यानी ये आपका एक मसल है और बाकी ग्लैंड्स जो होंगे वो आपके बॉडी के अंदर होंगे। इसी तरह यहाँ पर पानी पीने के लिए जो है पहले थिंकिंग की गई, प्यास महसूस हुई, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज दिया प्रोसेसिंग यूनिट को, वहाँ से अप्रोप्रिएट मैसेज जो है या आप कह सकते हैं रिस्पॉन्स या एक मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन को दिया गया। मोटर न्यूरॉन ने आगे अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करवाया बाय हैंड। तो हैंड से क्या किया, हमने ग्लास को जो है वो होल्ड किया और अपनी जो थ्रस्ट है उसको पूरा किया। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।